हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान। और आज हम बात करेंगे कि जो ओपन मेट पास स्टूडेंट हैं उनको जो फॉर्म 2 भरने में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो मेरे पास कमेंट्स आए हैं उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ पे क्या क्या इशू आ रहे हैं। उन सब का जो कॉमन इशू है वो मैं सब बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि स्टडी सेंटर कैसे सेलेक्ट करना है, और आपको एग्ज़ाम सेंटर वगैरह के बारे में भी पूछते हैं, और DD कैसे है, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो मैं आपको दिखा दूँ कि हमारे एक स्टूडेंट ने, ये देखो, अपना जो फॉर्म 2 है वो सबमिट कर दिया है, ठीक है। DD नंबर लिख दिया, उसकी डेट लिख दिया है, और अमाउंट लिख दिया है 10,200, क्योंकि 10,200 बोला होगा तो इसलिए 10,200 जो है मैक्सिमम रीजनल सेंटर 10,200 ही बोल रहे हैं। तो आप प्लीज़ एक बार मेल करके भी कंफर्म कर सकते हैं या फ़ोन करके भी कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन जो ये 200 रुपये है ये कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। तो लेकिन कहीं जो स्टडी सेंटर है, जो रीजनल सेंटर है, उन्होंने 10,200 बोला है, लेकिन ना तो आपके जो प्रिंट आउट है जो आपने पास किया है, क्वालिफाइड किया है, उसमें लिखा है कहीं पे, ना ही कहीं प्रोस्पेक्टस में लिखा है। तो इसका आप जो है कंफर्म कर लेना, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन जब भी अभी तक जो मेरे 2-3 स्टूडेंट ने मुझे बताया है वो यही है कि 10,200 वहाँ पर बताया है, और कहीं कहीं पर देख लेना 10,000 भी हो सकता है। तो ये अभी कुछ इसमें कन्फर्म इशू नहीं है, तो लेकिन 10,200 में इन्होंने जो है अभी अपने एक रीजनल सेंटर पे जमा किया है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये बता दूं, मेरे पास मेल से आया था। दूसरा, आपको जो फॉर्म 2 भरने में इशू आ रहा है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो मेरे पास काफ़ी कमेंट आई, तो ये तो प्रोग्राम तो MP हो गया। इनरोलमेंट नंबर जो है वो आपका यूनिवर्सिटी आपको देगा, वो यहाँ पर लिखना है। दूसरा, DD नंबर जो आप DD बनाओगे वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और उसकी जिस डेट को आप बनाए को यहाँ पे, और यहाँ पे अमाउंट का बोल रहे थे कि 10,000 नहीं लिखा जा रहा है। देखता हूँ, एक यहाँ तो है DD का अमाउंट, तो यहाँ ठीक आ रहा है, 10,000 लिख सकते हो आप, पीछे नहीं आ रहा होगा, ठीक है। पीछे वाले का चेक कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक जो बॉक्स है इसको आप ऐसे खींच के उसमें आप टोटल 10,000 कर देना, ठीक। ये इशू आपका क्लियर कर दिया, यहाँ पे आप पूरा लिख दोगे, यहाँ पे बैंक का नाम हो जाएगा, रीजनल सेंटर का कोड आपको लेना है, स्टडी सेंटर का कौन सा लेना है, स्टेट कोड कौन सा लेना है, इससे जस्ट पहले वाले फॉर्म में आपको सब दिया है। इनरोलमेंट नंबर ये जो है 6ठे और 7वें में मेरे से पूछा जा रहा है कि क्या ले, इसमें ये लिखा है कि जो ऑलरेडी कोई कोर्स किया है इग्नू से, जैसे मैंने मान लिया मैंने इग्नू से ग्रेजुएशन किया है, तो उसका रोल नंबर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इनरोलमेंट नंबर, और प्रोग्राम में लिख दूंगा BA या BDP, ना BA, तो वो यहाँ पे आएगा। जिन्होंने पहले इग्नू से कोई पढ़ाई नहीं किया वो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, अगर इग्नू से पढ़ाई किया है तभी जो है इसको वो लिखेंगे। ये आपको कंफर्म हो गया, 0 आप लगा लोगे अगर उसमें आपकी जो है 1 0 कम पड़ रही है फीस के अंदर। और एडमिशन जो है, एक डाउट था कि जो आप एग्ज़ाम सेंटर या स्टडी सेंटर लेते हैं, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लिया आपने पहले जहाँ पे एग्ज़ाम दिया है, जिस स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर के अंदर आपने जो है अपना ओपन मेट का रजिस्ट्रेशन कराया था, वहीं पे जो है आपको अपना कॉलेज लेना है। जैसे मैंने अभी नोएडा रीजनल सेंटर की वेबसाइट खोली है एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पे स्टडी सेंटर है, तो रीजनल सेंटर का एड्रेस ये है, रीजनल सेंटर इग्नू रीजनल सेंटर सेक्टर 62 में है ना, UP उत्तर प्रदेश। तो अगर हमें इसके कॉलेज फिर हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, हम इसमें के जो है इसमें स्टडी सेंटर की लिस्ट में जाएंगे, तो स्टडी सेंटर की लिस्ट हमारे पास इस तरीके से खुल जाएगी। जैसे नोएडा के अंदर जो कॉलेज है 2739, ये स्टडी सेंटर कोड है, और ये जो है गवर्नमेंट PG कॉलेज नोएडा सेक्टर 39, ये वो कॉलेज का नाम है। वहाँ का जो कोऑर्डिनेटर है उनके नाम लिखे हुए हैं, मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, ईमेल आईडी लिखी हुई है। और आपको सेलेक्ट कैसे करना है कि हमें वहाँ उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो हर एक जो कोड जो उस कॉलेज के अंदर है वो यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। इतने कॉलेज अगर आप उस कोड कॉलेज कोर्स को कर रहे हैं तो वो इसमें इस कॉलेज में होना चाहिए। जैसे MP है, यहाँ पे MP में आप एडमिशन ले सकते हो, स्टडी सेंटर 2739 में, ठीक। और जैसे ये फर्स्ट वाला है, इसमें MP है, हाँ इसमें MP है, दूसरे में भी MP है, इसी तरीके से सभी में MP है, और जो छोटे कॉलेज होंगे उसमें MP नहीं होगा, इसमें भी MP है, ठीक है, और इसमें MP नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी MP नहीं है। अगर आप ये कॉलेज दोगे तो आप जो है MP नहीं कर, ये कोर्स नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपने जहाँ पे जो है अपना एडमिशन लिया था, रीजनल सेंटर जो है आपके जो एरिया का पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट भी उसके डिसाइडेड होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है
हाँ, कौन कौन से एरिया में वो कवर करता है उसका एरिया डिसाइडेड होता है, ठीक है। तो जैसे ये यूपी के कुछ पार्ट्स को कवर करता है, नोएडा का जो रीजनल सेंटर है, मेरठ, मेरठ हो गया, और यहाँ पे बड़ा बागपत हो गया, ये सब एरिया नोएडा हो गया, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद, ये सब जो है इसके अंदर में आते हैं। तो इस एरिया में जितने भी स्टूडेंट हैं तो वो रीजनल सेंटर सिक्स नोएडा को सेलेक्ट करेंगे, और उसी के अंदर जो कॉलेज हैं उनके उनके एरिया में उनको सेलेक्ट करेंगे, और फिर उसमें वो प्रोग्राम देखेंगे कि वो प्रोग्राम है या नहीं है। अब आपका एक ये फॉर्म टू का और डाउट था कि हमें कोड कौन से लेने हैं, तो यार इसके जस्ट पहले ये चेक लिस्ट दिया हुआ है कि आपको कौन से कोड लेने हैं, कोड कहाँ पे मिलेंगे और ये सब चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो ग्रेजुएशन के लिए कोड जो है 03 है, ठीक। चेकलिस्ट इसमें पूरा बताया गया है, फिलअप कैसे करना है फॉर्म को, और पूरा उसी के अंदर दिया है, परफॉर्मा दिया है, आपने 1 से 4 तक हिस्ट्री सेंटर की लिस्ट कहाँ पे है, रीजनल सेंटर के कोड कहाँ पे है, आइटम नंबर 14-15 में क्या लिखना है, 21 में क्या लिखना है, इनके सब अपेंडिक्स दिए हुए हैं, तो उनमें से आपको देख के पूरा लिखना है। और ड्यूरेशन का एक जो मेरे पास कमेंट्स आया था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसमें लिखा हुआ है कि आप अगर, एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि अगर मैं 3 कोड लेती हूँ तो अब फिर बचे हुए कोड का क्या होगा। देखो, आप 3 कोड में भी एडमिशन ले सकते हैं, तो आपको फ़ीस 6,000 जमा करना पड़ेगा, 6,200। तो ये फर्स्ट टाइम होता है जब आपको फॉर्म 2 भरना पड़ता है, उसके बाद आपको रोल नंबर मिल जाएगा, इनरोलमेंट नंबर जिसको बोलते हैं, उसके बेस पे आप फिर सेकेंड ईयर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के आप रजिस्ट्रेशन कराते हो। आपके पास ड्यूरेशन होता है 8 साल तक का, तो आप 8 साल तक उसको धीरे धीरे कर सकते हो। अभी जो है उसका ड्यूरेशन थोड़ा सा कम किया है, तो लेकिन अगर आप पहले सेमेस्टर में 3 ही कोड लेते हो तो आपके 2 कोड बच जाते हैं, तो आपको फिर वो 5वें सेमेस्टर में, मतलब जब आपके पूरे कोर्स हो जाते हैं तो लास्ट में या बीच में आपको कोड लेने पड़ेंगे। तो अगर बीच में भी कोड आपको लेने पड़ेंगे तो आप समझ सकते हैं, तो आपकी जो डिग्री है वो 2 साल की बजाय 2.5 साल में कंप्लीट होगी, क्योंकि बचे हुए जो 2 कोड है वो लास्ट में आपको लेने पड़ेंगे, या बीच में भी लोगे तो फिर भी आपको एक बार में सिर्फ 5 ही ले सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। तो हर बार 5-5 लेने हैं, लेकिन पहली बार आपने कम ले लिए, 3 ले लिए, तो बच गए 2। तो 2 में जो आपके 2 साल कंप्लीट होने के बाद जब 5वां सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे ऐसे ही, तो वो 2 कोड आप उस टाइम पर आपको डालने पड़ेंगे। तो ये आपकी चॉइस है कि आप अभी 5 कोड पूरे सेलेक्ट करना चाहते हैं या कुछ कम लेना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। जिसको जल्दी डिग्री चाहिए उसको इस तरीके का कदम नहीं उठाना चाहिए, ये मैं सजेस्ट करूँगा। लेकिन अगर कोई फिर भी कोई इश्यू है तो वो आप जो है ड्यूरेशन अपनी बढ़ा सकते हैं, बाद में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थे जो मेन इशू मैंने समझे और जो इसके बारे में कमेंट आ रही थी बार बार मेरे पास। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।